फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डीप फेक वीडियोस के बारे में। फेक न्यूज हम आए दिन देखते रहते हैं, हमको पता होना चाहिए फेक न्यूज कैसे आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन आगे जाके ये और मुश्किल होने वाला है जब आप वीडियोज ऐसे देखेंगे जो बिल्कुल असली लगेंगे लेकिन वो फेक हो सकते हैं। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फेक है या फिर असली है? डीप फेक वीडियोस होते क्या हैं, आज के चैनल में इसके बारे में समझते हैं। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। लेट्स बिगिन। फेक न्यूज जब चलती हैं, मतलब कि जो कभी घटित नहीं हुआ, ऐसी चीज के बारे में खबरें व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी किसी भी न्यूज मीडियम में फैला दी जाती हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे पहचाने। थोड़ी सी रिसर्च करके आप पहचान सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। फेक इमेजेस भी आपको पता है कि किसी के चेहरे पे किसी का बदन, किसी के बदन पे किसी का चेहरा लगा दिया, लेकिन ऐसी फेक इमेजेस को भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है और इनको बनाने में मेहनत भी लगती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल में जब कोई होता है तो आप उसी एंगल का एक चेहरा ढूंढते हैं और उसमें लगाते हैं। कई लोग ये बड़ी कलाकारी से काम करते हैं तो कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब भी फेक इमेजेस को पहचानना भी काफ़ी हद तक आसान है। लेकिन फेक वीडियो जिसमें एक इंसान जो वीडियो में बोल रहा है, सिर्फ बोल ही नहीं रहा, सिर्फ उसकी आवाज़ ही नहीं बल्कि जो वर्ड्स उसके मुँह से आपको सुनाई दे रहे हैं, जो दिख रहे हैं, उसके जो लिप्स की मूवमेंट है वो भी उसी हिसाब से इन सिंक है, तब सिर्फ लिप्स की मूवमेंट नहीं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उसके हाथ पैरों के एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उन वर्ड्स के साथ सिंक होती है। कुल मिला के वीडियो ऐसा बना होता है जब आप पहचान ही नहीं पाते कि ये असली है या नकली है। नकली का तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि वीडियो देख के आपको ये लगेगा असली। अब जैसे ये वीडियो है मैं बना रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आपको वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं और जो मेरे लिप्स की मूवमेंट है वो उन्हीं वर्ड्स के हिसाब से सिंक है, राइट? तो कोई इसमें नकली का सवाल ही नहीं है। लेकिन आजकल वीडियो डी फेक वीडियोज़ ऐसे आने लग गए हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा अच्छे बनकर आएंगे, जिसमें जो इंसान जो बोल रहा होगा उसकी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, उसके लिप्स की मूवमेंट, सब कुछ उन वर्ड्स के हिसाब से होगी। उसकी आवाज़ भी वही होगी जो आप पुराने वीडियोस में देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, लेकिन वो वीडियो असली नहीं होगा, वो वीडियो कंप्यूटर का बना हुआ होगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा बना हुआ होगा। तो आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव कर गई। We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right. ये एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, इसमें बराक ओबामा ऐसी ऐसी चीजें कह रहे हैं जो उन्होंने कभी कही नहीं, ये एक दूसरे इंसान ने कही, लेकिन डीप फेक के जरिए उसने चेहरा अलग लगाया, काफी सारे फ्रेम्स इमेजेस के बने, जब फाइनल एक वीडियो बनकर आया तो ये वो चीजें थी जो एक दूसरा आदमी कह रहा है लेकिन वीडियो में देखने में लग रहा है कि बराक ओबामा कह रहा है। आवाज़ भी बराक ओबामा की, एक्सप्रेशंस भी बराक ओबामा के, वो एक्सप्रेशंस और लिप मूवमेंट सिंक भी कर रही है उन बातों के साथ जो बोली जा रही है वीडियो में, कम्प्लीटली फेक। कई लोग नहीं पहचान पाएंगे कि नकली है या असली है। एक मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल और देता हूँ। मान लो अभी ये मेरे हाथ में बोतल है और ये बोतल से मेरे को, जैसे बोतल को मैंने एक ढक्कन खोला और ये पानी पी लिया। अब इसमें किसी ने मेरी मान लो 5 फ़ोटो ले ली, ठीक है। अब जब इन 5 फोटोज़ को, इस एक्ट को करते हुए किसी ने मेरी 5 फोटोज़ ले ली, अब जब इन 5 फोटोज़ को हम एक एक करके चलाएंगे एक साथ, तो 5ों फोटो को देखने से बहुत ही आसानी से दिखाई देगा कि हाँ भाई मैं पानी पी रहा, राइट? अब इन 5 फोटोज़ को आप मान लो कि किसी ने 5000 फोटोज़ कर दिए, एक एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ। जब उन 5000 फोटोज़ को, फ्रेम्स को एक साथ चलाया जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए, तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि एक के बाद एक फ़ोटो आ रही है, वो ऐसा लगेगा कि वीडियो चल रही है, राइट? नाउ कंप्यूटर्स टुडे विद द हेल्प ऑफ दीज लेटेस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, दे आर केपेबल दैट दे कैन क्रिएट फोटोज, राइट? फोटोज इन थाउजेंड्स ऑफ फ्रेम्स, लैक्स ऑफ फ्रेम्स, एंड दे कैन अप्लाई वट एवर मूवमेंट दैट दे वॉन्ट टू शो इन दोज फोटोज, राइट? तो फोटोज के साथ तो मूवमेंट आप कर सकते हो, एक पर्टिकुलर फोटो है कंप्यूटर के जरिए, हाथ उधर कर दिया, पैर उधर कर दिया, लिप्स की मूवमेंट आगे पीछे कर दी, जैसी आपको करनी है वैसी कर दी। तो एक तो
कुछ ना कुछ बोलते हुए, मान लो जो भी स्क्रिप्ट सामने रखी है, जो भी आपको बुलवाना है, कंप्यूटर उसकी सॉफ्ट बना रहा है, कोई आदमी को नहीं करना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, जिसमें कंप्यूटर्स खुद ही सीख रहे हैं, कंप्यूटर्स खुद ही सीख रहे हैं। एक बार उन्होंने किसी एक फोटो के साथ कर लिया, किसी एक एक्सप्रेशन को समझ लिया, तो खुद ही सीख रहे हैं, बाद में वो खुद ही करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे बाय कंप्यूटर आपने एक वर्ड तैयार किया किसी इंसान के ऊपर, मान लो बराक ओबामा के ऊपर, कि आई एम नॉट अ गुड प्रेजिडेंट। तो इसमें जितने जितने एक्सप्रेशंस का यूज़ हुआ, जितने जितने वर्ड्स का यूज़ हुआ, और वॉइस की जो इंटोनेशन होनी चाहिए, ये सब कंप्यूटर में एक बार फीड हो गया, तो बाद में जितनी भी लाइन बोलनी है जिसमें सिमिलर इंटोनेशन, सिमिलर वर्ड, सिमिलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, वो वैसे निकल आएंगे। तो एक एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग का, राइट। तो मशीन लर्निंग के थ्रू जब वो फोटोज 5,000 फोटोज एक साथ चलेंगे, जो कि डिजिटली क्रिएटेड फोटोज हैं, वो ऐसी हरकत, ऐसी एक्टिविटी उस इंसान ने ज़िंदगी में कभी नहीं की होगी, लेकिन वो डिजिटली क्रिएटेड फ़ोटोज़ हैं, पुराने फ़ोटोज़, पुराने वीडियोज़, पुरानी आवाज़ को यूज़ करके, तो उनको जब एक साथ चलाया जाएगा तो वो वीडियो की तरह लगेंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल है, एक टेक्निक है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से मशीन लर्निंग काम करती है। अब इसकी वजह से जो फ्यूचर है वो बहुत मुश्किल होने वाला है उन लोगों के लिए जो आज के दौर में फेक न्यूज़ के झांसे में आ जाते हैं। आज के दौर में फेक न्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा चल रही है, तो कल क्या होगा जब ऐसे बेवकूफ़ लोगों के सामने ये फेक वीडियोज़ आएंगे, वो फेक न्यूज़ में फ़र्क नहीं बता पाते हैं, तो फेक वीडियोज़ के तो वो एक सेकेंड में झांसे में आ जाएंगे। तो बस ये सारा एक्शन हमारे ऊपर ही है कि जब भी आप कोई अनयूजुअल वीडियो देखें, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि अगर ये अनयूजुअल है, कुछ शक हो रहा है, सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू रिसर्च, क्योंकि आगे जाके ये ज़माना, ये जो टेक्नोलॉजी है, बहुत डेंजरस होने वाली है। कई कंट्रीज़ में ऑलरेडी बैन लग चुका है, इंक्लूडिंग अमेरिका, बैन लग चुका है इस टेक्नोलॉजी पे, इसको नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा ख़तरे हैं। आप किसी को भी बदनाम कर सकते हो, किसी बिग पर्सनैलिटी की आप फेक वीडियो बना के उससे वो चीज़ें कहलवा सकते हो जो उसने कही नहीं, दंगे फैलवा सकते हो, कोई भी कंट्रोवर्सी करा सकते हो। पोर्नोग्राफी में इसका यूज़ कर सकते हो कि किसी अच्छे शरीफ इंसान की आप पोर्नोग्राफी में वीडियो बनवा दो जो कि उसने कभी करी नहीं होगी। तो बहुत सारे बुरे यूज़ हैं, अच्छा यूज़ तो कोई समझ में भी नहीं आता कि बनाने की ज़रूरत ही क्या है, लेकिन जैसे गन बनी वैसे ये भी बन गई है, और इस ज़रूरत है कि इसको पहचाने हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी डीप फेक वीडियोज़ के बारे में मिली होगी, आप इस तरीके के क्या क्यों कैसे वाले वीडियोस में बनाता रहता हूँ। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।